नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनुराग वेलकम बैक टू तो रिसर्च अल्फा आई होप यू आर डूइंग वेल सो आज का टॉपिक रिलेटेड होने वाला है नाउन क्लॉज से जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे नाउन क्लॉज को सेंटेंस में मैंने इससे पहले वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया था क्लॉज क्या होती है क्लॉज हमारी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रिडिकेट मिलता है उसे हम क्लॉज कहते हैं सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और प्रिडिकेट पहले से ही होता है और उसमें ही कुछ एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो जो कि सेंटेंस का हिस्सा बना हो जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रिडिकेट मिले उस हिस्से हम क्लॉज कह देते हैं सो so, यहां पर आज हम नाउन क्लॉज की बात करेंगे सब्जेक्ट को ढूंढने की बात करेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑफ प्रेट को ढूंढेंगे मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑफ प्रिडिकेट को ढूंढेंगे और उसके साथ ही साथ जो क्लॉज की सब्जेक्ट ऑफ प्रेट होगी उसको ढूंढेंगे और यह देखेंगे कि जो क्लॉज आ रही है वो किस पोजिशन पर आ रही है क्या वो नाउन की पोजिशन पर आ रही है अगर वो नाउन की पोजिशन पर आएगी तो उसे हम नाउन क्लॉज कह देते हैं मैंने इससे पहले वीडियो में आपको नाउन की पोजीशन के बारे में बात की थी नाउन हमारी फाइव पोजीशन पर आती है अगर उन पांच पोजीशन पर क्लॉज आ रही है तो उसे हम नाउन क्लॉज कह देते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया जा रहा है सो so सबसे पहला सेंटेंस है वेन आई शेल रिटर्न इज अनसर्टेन सो सबसे पहले इसमें कोशिश करते हैं हम वर्ब को फाइंड आउट करने की सबसे पहली वर्ब है शेल और रिटर्न और दूसरी वर्ब है इज सो यहां पर आप देख रहे हैं शेल रिटर्न और इज ये हमारी दो वर्ब है इसका मतलब कि यहां पर दो सब्जेक्ट भी होंगे Shall का सब्जेक्ट है आई और इसका सब्जेक्ट इससे पहले आना चाहिए था बट यहां पर सब्जेक्ट ना आकर के पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड आ गया है और इस ग्रुप ऑफ वर्ड में आपको सब्जेक्ट सब्जेक्ट और और ये आपको मिला सो इसे हम कहते हैं क्लॉज क्योंकि ये एक पूरा सेंटेंस जो हमारा है मेन सेंटेंस है इज अनसर्टेन और इसका सब्जेक्ट की जगह पर एक क्लॉज का यूज कर दिया गया है इसका मतलब कि सेंटेंस का एक हिस्सा बना हुआ है जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों मिल रहा है

हैड रिटर्न का सब्जेक्ट दिखा शी सो so, इसको देखते हैं कि क्या ये एक पूरा सेंटेंस है या इसमें दो सेंटेंस है तो so, ध्यान से देखें तो फुल स्टॉप लगा हुआ है एक ही सेंटेंस है और इसमें आपको दो वर्ब मिल रही है इसका मतलब जो इसमें एक वर्ब होगी वो मेन सेंटेंस की होगी और दूसरी वर्ब क्लॉज की होगी तो मेन सेंटेंस की वो होगी जिसके बारे में बात की जा रही है उसने इनकार किया अब जो भी चीज़ इनकार की होगी वो कोई नाम होगा कोई चीज़ होगी बट वहां पर नाम ना ला करके अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले आ रहे हैं और उसमें आपको सब्जेक्ट ऑप्रिडिकेट दिख रहा है

एम गोइंग इसका मतलब कि इसमें दो सब्जेक्ट भी होगा तो am गोइंग का सब्जेक्ट आई है और पे का सब्जेक्ट है यू जिसे हम लिखते नहीं हैं क्योंकि ये पहले से अंडरस्टूड होता है यू पे केयरफुल अटेंशन टू वॉट आई एम गोइंग टू से तो इसे हम लिखते नहीं हैं सो so, यहाँ पर हमें पे का भी सब्जेक्ट मिल गया और एम गोइंग आई का भी मिल गया अब देखते हैं कि यहाँ पर बात क्या की जा रही है बात की जा रही है कि अटेंशन दो उस पर ध्यान दो अब जो भी चीज पे ध्यान दोगे वो टू के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा नाउन आएगा बट यहां पर टू के बाद प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट एक नाउन ना आकर के ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया है जिसमें हमको सब्जेक्ट और प्रिडिकेट दोनों मिल गया तो इसे हम क्रॉस कहेंगे और ये नाउन की पोजिशन पर आया हुआ है तो इसे नाउन क्लॉस कह देंगे फोर्थ देखते हैं इट इज फियर्ड दैट ही विल नॉट कम इसमें हमें इस दिखी वर्ब और दूसरी वर्ब दिखी विल

कर सकू तो चलिए ने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच जय